अपना मोल्ड जो है वो ग्रीस करना है अच्छे से। और ये जो मैंने मोल्ड लिया है ये है 6x3 inches और इसकी जो हाइट है वो 2 inches है। तो इसमें डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही है यहाँ पे, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगाएंगे पार्चमेंट पेपर और इसको भी ग्रीस करेंगे अच्छे से। अब इसको रखेंगे साइड पे और नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम चीनी डालेंगे और चीनी है 3/4 cup जो है वो हमको लेनी है, ये 1/2 cup है तो इसमें और डालेंगे। अब इसमें डालेंगे बटर, बटर जो है 1/4 cup है हमारा, रिफाइंड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब डालेंगे दही है ये 1/3 cup और 1/2 cup दूध है, रूम टेम्परेचर में सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी, और इसको करेंगे ब्लेंड। अब राइस फ्लोर को सीव करना हमको, इसको छानना है अच्छे से। ये जो एक्स्ट्रा जो सब आता है ना इसके लिए हम छानते हैं, कोई भी ऐसे मोटा मोटा नहीं आना चाहिए केक में। ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, 1 pinch बेकिंग सोडा और 1 pinch सॉल्ट डालेंगे। अब ये जो हमारी चेरीज हैं इनको थोड़ा सा इसमें डालेंगे राइस फ्लावर। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप केक में चेरीज डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगी, अगर आप इसको फ्लोर के साथ अच्छी से कोट नहीं करेंगे तो। इसको रखते हैं साइड पे और अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से सब चीज़ें। तो 1 teaspoon पाइनएप्पल फ्लेवर, आपने कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब द केक इज रेडी। सी केक अभी गर्म है, रेडी हो गया है केक। अब इसको ठंडा करेंगे और फिर कट करेंगे। हाँ, एक बात का आप खास ख्याल रखें कि जब OTG को आपने यूज कर लिया, चीज आपने जो बनानी थी बन गई, उसके बाद उसका डोर जो है उसको आप खोल के रखें कुछ देर के लिए। अदरवाइज नेक्स्ट जब भी आप कोई आइटम बनाएंगे तो पुरानी स्मेल, पुराना फ्लेवर उसमें आ सकता है। तो ये था आपका आज का लिव योर लाइफ नुस्खा। Yes.